तो भाई कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी सारी गाय खुल चुकी है और चारा भी खा रही हो अच्छे से, हरा चारा। और लाइट सुबह की थी 9 बजे जाने वाली, तो हमने पहले गायों का दूध निकाला। दूध निकालने के बाद खुराक रख ली और फिर गए हम चारा लेने के लिए। और हरा चारा लेके आ गए और कुट्टी भी करके डाल दी, इतना बचा हुआ है जो कि मिलेगा बच्चों को आज शाम को। चुटकी और चुटकियों का हरा चारा मैंने रख दिया, खुराक भी खा ली, सब काम कम्प्लीट है। इसको बाहर निकाल लिया आज फिर से। अगर आज इसने ज़्यादा गंदगी की तो कल से इसको अलग से बांधूंगा, अगर ज़्यादा परेशान नहीं करेगी तो यही रहेगी। मैंने आज चारा साइड में डाला, अगर बैठेगी भी तो चारे के ऊपर नहीं बैठ सकती, जहाँ चारा अच्छा रहेगा। महाराज जिस साइड में सुबह में जब दूध पी के बाहर निकले तो हरे चारे की जो कुट्टी उसको पूरा गंदा कर रहे थे, और वो कभी सुधरने वाला नहीं है, ऐसा ही करने वाला है। और दोनों बैल यहाँ पे, जो कि हम बैलगाड़ी में चारा लेके आए थे, तो दोनों बैल भी यहाँ लाए थे, तो अभी ये उस वाले फार्म पे जाएंगे थोड़ी देर बाद। और बाकी बच्चे उधर, उनको भी हरा चारा मिला है सुबह का। और ये अपना डैम का पानी आ रहा है उस साइड में बोरवेल का, लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा पानी अपना पड़ रहा है इस वाले कुएं में, जो कि कुआ फुल भर चुका है और उसमें थोड़ा पानी जा रहा है, क्योंकि अपना जो ट्रांसफार्मर है उसका लाइट कट हो गई अभी, मतलब डीओ चला गया उसका, तो चाचा जी गए डालने के लिए, क्योंकि ये मोटर भी चालू होने वाली और फिर जाएगा गायों के चारे में पानी, तो इसलिए वो अभी गए। तब तक ये थोड़ा थोड़ा पानी अपने कुएं में जा रहा है, क्योंकि अपना कुएं का रिटर्न वाल खराब हो चुका है, तो कुएं की मोटर अंदर पानी खींचती, तो इन दोनों का पानी वो अंदर खींच रही, जब ये मोटर स्टार्ट होगी तो पानी अच्छे से आना लग जाए। तो ये काम हो रहा है और मैंने पानी भर लिया, क्योंकि मुझे करना है मछलियों का पानी चेंज और मछलियाँ भी चेंज करनी, तो मैं फटाफट वो पानी का काम कंप्लीट कर लेता हूँ चेंज करने का, तब तक चाचा जी भी आ जाएंगे। तो इनका चारा खाना हो चुका है दोनों का, इसका भी हो गया और लाइट भी चली गई, पानी हो गया बंद। महाराज खुले और 2 दिन से मांस नहीं है उनको, और मैं जा रहा हूँ इनको लेके उस वाले फार्म पे, और उन सबको लेके जाना है मुझे चराने के लिए। चाचा जी घर पे गए तो मैं इन सबको चराने के लिए जा रहा हूँ। अपनी गाय भी है अंदर, बूढ़ी गाय अभी 2-3 दिन से अच्छा चारा नहीं खा रही और खड़े होने में भी दिक्कत हो रही उसको, तो उसके आखिर के दिन बचे थोड़े बहुत, और बाकी गाय ठीक है और कुछ दिक्कतें नहीं है अपनी गायों को। चलो मैं जाता हूँ गाय चराने, फिर दोपहर को आऊँगा। ये देखो महाराज ना बड़ी बच्ची को परेशान कर रहे, उसको बैठने नहीं दे रहे, वैसे परेशान करते किसी को भी, वो है ही वैसे। तो चलता हूँ मैं उस वाले फार्म पे। तो अपनी गाय चली गई है छाँव में, क्योंकि धूप अभी तेज हो रही है, और मैं इस वाले फार्म पे वापस आ चुका हूँ, क्योंकि पिताजी ले गए उस वाले फार्म की गाय, और मैंने मछलियों को इसके नीचे ढकाई, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, उस वाले फार्म की गाय लेके चला गया था, अभी आया मैं, तो इनको भी अभी खोलना पड़ेगा। और मैं पानी लेके आया बाल्टी में, इनको आज कोई भी हालत में कुएं में शिफ्ट करना है। मैं पहले इन सबको यहाँ से निकाल लेता हूँ और बाल्टी में डाल लेता हूँ, फिर रस्सी लेके जाऊँगा कुएं में छोड़ने के लिए। तो इनको पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, 3 दिन से जा नहीं रहा हूँ मैं शिफ्ट करने के लिए इनको, तो अभी मैं इन सबको इसमें पहले डालता हूँ, फिर लेके चलता हूँ कुएं के लिए। तो मैंने अभी मछलियों को बाल्टी में शिफ्ट कर दिया है, और ये रस्सी है, मैं ये रस्सी और बाल्टी लेके अभी जाऊँगा उस वाले कुएं के पास,
और उसमें शिफ्ट करूँगा। और इस वाले कुएं में नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें अपने पहले से ही बहुत सारी मछलियाँ हैं, वो भी बड़ी, जो कि इन छोटियों को खा जाएंगे। तो इनको उस वाले कुएं में शिफ्ट करते, तो चलते उस वाले कुएं के पास और इनको डालते वहाँ। तो बाल्टी और रस्सी लेके मैं आ चुका हूँ और कुआ बहुत खाली है अपना। ये देखो बहुत नीचे पानी चला गया, करीब 30 फीट के करीब नीचे पानी चला गया ऊपर से ज़मीन से नीचे की तरफ, और 10 या 12 फुट पानी होगा अपना कुएं में। तो अभी मैं रस्सी बांधता हूँ और बाल्टी को अपने मतलब जो बाल्टी उसको मैं नीचे छोड़ता हूँ पानी के पास, और वो अपने आप ऊपर आएंगे और पानी में चले जाएंगे। सो बांध लेता हूँ रस्सी और छोड़ता हूँ उन्हें। तो मैंने तो छोड़ दिया मछलियों को कुएं के अंदर, ये रही बाल्टी और रस्सी। तो अभी इसको लेके चलता हूँ फार्म पे, बाकी अपनी मछलियाँ और बाकी है जो अपने कांच के बर्तन में रखी उनको नहीं छोड़ा, जो अपने कैन थी दूध की उस जूस के अंदर जो थी उनको मैंने छोड़ दिया। तो चलते हैं अभी फार्म पे वापस। तो मैं आ चुका हूँ फार्म पे वापस, इसको खुला कर देता हूँ जो कि अंदर में मछलियाँ है अपनी उनको। ये देखो ये रही अंदर में, और इंसानों को देख के एक जगह ठहर जाती है, घूमती नहीं है ज़्यादा। ये देखो अभी घूमने लगी, कांच का बर्तन ही वो कैमरे में सही से नहीं दिखता लेकिन जब आप खुली आंखों से देखते हो तो सही दिखता है। और ये जो अपना मशीन है सामने पड़ा हुआ, तो इसको आज करना स्टार्ट, क्योंकि 2 या 3 महीने से उसे स्टार्ट ही नहीं किए, वैसा का वैसा ही बंद है। तो आज हम ट्राई करेंगे उसको स्टार्ट करने की, वो तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन पड़े पड़े ख़राब हो सकता है, इसलिए हम बाद में जब चालू करेंगे तब दिक्कत देगा। तो अभी मैं अपने मशीन में डालने के लिए ट्रैक्टर से डीजल निकालता हूँ उसमें डालने के लिए, क्योंकि उसमें डीजल नहीं है, उसकी टंकी टूट गई है, तो वहाँ से डीजल निकल जाता है। तो मैं अभी इस डब्बे में डीजल निकाल लेता हूँ थोड़ा उसको चालू करने के लिए, फिर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो लेते पहले डीजल ट्रैक्टर से। तो मैं डीजल निकाल के ले आया हूँ, आधे लीटर से थोड़ा कम है, और ये मशीन पास में, तो इसमें भी डीजल डालना है और स्टार्ट करना है। उसका हैंडल भी लेके आ चुका हूँ, और जो उसकी बेयरिंग है तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा मैंने ऑयल डाल दिया, जिससे घूमे तो कोई घर्षण की आवाज़ ना आए ज़्यादा, और वो फ्री घूमे तो मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी। तो जहाँ जहाँ ऑयल डालने की जगह मैंने सारी जगह ऑयलिंग कर दी उसे। सो अभी करते उसको स्टार्ट, देखते कि स्टार्ट हो पाता है या कुछ दिक्कत देता है। और यहाँ पे एयर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें डीजल नहीं था, तो इसमें हवा आ चुकी होगी। तो जो ये वाला नट है ये वाला, तो इसको ढीला करके यहाँ से थोड़ा डीजल निकलेगा, तब इसको टाइट करके फिर इसमें से जो एयर है डीजल के पहले गई वो निकल जाएगी, फिर अपना मशीन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं पानी से उसको खोल के यहाँ से एयर निकाल लेता हूँ, फिर करते इसको स्टार्ट। छोड़ तो भाई मशीन अपना पहली बार में उड़ गया, और कुछ ज़्यादा दिक्कत उसमें थी नहीं, अपना मशीन सही था तो पहली बार में उड़ गया। फिर से चाचा जी ट्राई कर रहे हैं एक बार उठाने की, 2-3 बार उठाएंगे। तो हल्के से घुमाने से अपना मशीन उड़ जाता है, तो सही है मशीन। तो जो डीजल डाला है उसको हम निकालने वाले, क्योंकि अपनी टंकी है खराब, सो डीजल उसका नीचे गिरता है, तो हम ज़्यादा देर तक उसे चलाएंगे नहीं, क्योंकि ये पानी से कूल होता है और अपना पानी बंद है उसमें, तो गर्म होकर ज़्यादा खराब होएगा। तो हम अभी डीजल निकाल लेते हैं फटाफट उसका।
आज के बर्तन में रही मछलियाँ सामने अच्छे से रह रही हो। बाकी इनको इस वाले में आप शिफ्ट करूँगा, इस वाले में नहीं करने वाला, इस वाले में करने वाला हूँ अभी टाइम है, करूँगा उनको शिफ्ट। इतना सारा अपना चारा देखो ख़त्म हो गया, 15 दिन के करीब भी नहीं हो रहे। और अपनी गाय अभी तक बांधने का काम बाकी था, अभी बांध रहे पिताजी गाय, ये रहे और खुराक रखनी बाकी है। तो बैलगाड़ी में हम चारा भर के ले आए, ये खुल नहीं रहा, अच्छा खुल गया। तो बैलगाड़ी भी भर के ले आए हम चारे की, क्योंकि आज काम को बहुत देरी हो गई, काम बहुत सारा बाकी है और टाइम बहुत कम है। क्योंकि आज हम दो अपने जो काले बैल थे दोनों, उनको आज बैलगाड़ी चलना सिखा रहे थे, आज से पहले वो कभी बैलगाड़ी चले नहीं थे, तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी, बाद में सही चलने लगे, उनको सिखा रहे थे हम। तो वो काम दोपहर को कर रहे थे तो ज़्यादा टाइम उसमें चला गया हमारा, तो अभी गायों का काम कंप्लीट करने में टाइम लग गया, तो इसको भी करते हैं। और ट्रैक्टर भी चल रहा था अपने खेत में, तो वहाँ भी काम पे अटक गए हम और काम बहुत कम, तो जैसे जैसे करके हम काम को आज जल्दबाजी में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 6:30 बजने में आ गए और अभी तक गायों की खुराक भी नहीं रखी और चारा भी नहीं डाला और गाय भी नहीं बंधी, ये सब काम करना है। और चारा तो काट के ले आए, ये देखो दोपहर को महाराज एक जगह बैठ रहे थे और शाम को खेलते थे थोड़े बहुत, तो उनको खेलने देते, हम सारा काम कंप्लीट कर लेते। ये यूरिया लेके आए हम एक थैली, जो कि इस घास को देनी है, अपनी घास अभी काट के रहे तो पीछे में जो बढ़ नहीं रहे उसके लिए। और गोबर खाद तो हमने दी है, लेकिन थोड़ी बहुत हम ये भी दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे लेकिन थोड़ी बहुत। देखो इस तरह मेरे पीछे पीछे भाग रहे करते काम को ये दोनों यहाँ पे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।